पलकों के कार्यों को लेकर डिंगमैन पावर पर उठ चुकी हैं उंगलियां। कागजों में पौधारोपण, मिट्टी डलवाने, देखरेख का है आरोप। नमस्कार, मैं हूं डिंपल राय और आप लोग जुड़ चुके हैं पहरेदार भारत न्यूज के साथ। जिस तरीके से नगर परिषद जिस कंपनी पर मेहरबान होती दिखाई दे रही है उस पर ऑलरेडी काफी उंगलियां उठ चुकी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सिरसा नगर परिषद सांठगांठ की वजह से जिस डिंगमैन पावर पर मेहरबान होती दिखाई दे रही है उसका विवादों से जोली दामन का साथ रहा है। पिछले 16 वर्षों के दौरान कभी बकरियां वाली कचरा प्लांट में कचरे का फर्जी तरीके से वजन किए जाने, कचरे का अलग अलग निस्तारण न करने, घर से कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने सहित अनेक आरोप लगते रहे हैं। मैजर्स डिंगमैन पावर के पास ही सिरसा नगर परिषद के अधीन दर्जनों पार्कों के सौंदर्यकरण का ठेका है। परिषद की ओर से लगभग 6 करोड़ रुपए का डिंगमैन को दिया गया है ठेका। सूत्र बताते हैं कि नगर परिषद के अधिकारियों से सांठगांठ करके ठेकेदार ने कागजों में ही पौधारोपण, पार्कों की देखभाल और अर्थवर्क करवा डाला। क्योंकि विभागीय अधिकारियों की कथित सांठगांठ रही इसलिए विभागीय अधिकारियों ने ठेकेदार की कारगुजारी पर पर्दा डालने की भी भरसक कोशिश की। व्हील्स ब्लोअर गुरलाल की ओर से मामले को उजागर करने के लिए आरटीआई का सहारा लिया गया, मगर नगर परिषद ने आधी अधूरी सूचना दी जिसमें अलग अलग पार्कों का जिक्र करने की बजाय वेरियस लिखकर लीपापोती का प्रयास किया गया है। गुरलाल सिंह की ओर से मामले में 16 मई 2022 को प्रथम अपील दाखिल करके पूर्ण जानकारी की मांग की है, मगर नगर परिषद द्वारा जो आधी अधूरी सूचना प्रदान की उससे नगर परिषद के अधिकारियों व ठेकेदार की कथित मिलीभगत का खुलासा होता है। पार्कों में दिखाए चौकीदार नियुक्त, लेकिन ओनली कागजों में ही है ये नियुक्त। पार्कों में दिखाए चौकीदार नियुक्त लेकिन कागजी कार्रवाई केवल। आइए जानते हैं विस्तार से। सिरसा शहर के पार्कों की बदहाली किससे छिपी है, मगर नगर परिषद में इन बदहाल पार्कों की देखभाल की एवज में 17,000 रुपए प्रति चौकीदार की अदायगी की गई। परिषद द्वारा डिंगमैन पावर को दिए गए ठेके में ठेकेदार द्वारा 87 चौकीदारों की नियुक्ति दर्शाई गई है और उन्हें हर माह औसतन 17,000 रुपए वेतन देना भी दर्शाया है। अचरज की बात तो यह है कि हजारों रुपए मासिक वेतन की अदायगी के बावजूद पार्कों में ना पौधे सुरक्षित रहे और ना ही पार्कों की लोहे की रेलिंग, पार्कों पर अवैध कब्जे हो गए। परिषद द्वारा इस आशय के खुलासा नहीं किया गया कि किन किन पार्कों में उप चौकीदार तैनात किए गए। लाखों के अर्थवर्क का दावा, जी हाँ, कागजों में लाखों रुपए मिट्टी डलवाने के नाम पर बिल पेश किया गया। क्या है पूरा मामला, ठेकेदार फर्म द्वारा शहर के पार्कों में 27 लाख रुपए की मिट्टी भराई का दावा करते हुए बिल पेश किया गया। ठेकेदार ने किन पार्कों में मिट्टी डलवाई इस पर नगर परिषद के अधिकारियों ने पर्दा डाल लिया, जबकि एमबी माप मुस्तिका में हर कार्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, किस पार्क में कितनी मिट्टी कब कब डलवाएगी इसका उल्लेख होता है, मगर परिषद ने आरटीआई में यह जानकारी नहीं दी। यानी अर्थवर्क के नाम पर लाखों रुपए की अदायगी का रास्ता साफ किया। 17 लाख के पॉम और 12 लाख के गुलाब मुरझाए, आरटीआई में हुआ खुलासा। व्हील्स ब्लोअर गुरलाल सिंह द्वारा मांगी गई आरटीआई में इस आशय का खुलासा हुआ कि ठेकेदार फर्म ने सिरसा के पार्कों में 17,000 रुपए की कीमत के पॉम और विदेशी नस्ल के इंग्लिश रोज गुलाब लगाए। पॉम पर 17 लाख और गुलाब पर 12 लाख रुपए खर्च दिए गए, लेकिन सिरसा वासियों को सिरसा के किसी पार्क में ऐसा कोई पॉम और इंग्लिश रोज दिखाई नहीं दिया। बड़ा सवाल यह है कि ठेकेदार ने आखिर इतने कीमती पॉम और इंग्लिश रोज किस पार्क में लगाए। परिषद द्वारा आरटीआई में इस पर भी पर्दा डाल दिया गया, यह खुलासा नहीं किया कि अमुक अमुक पार्क में पॉम व इंग्लिश रोज कहाँ लगाए गए हैं। नए ट्यूबवेल भी विवादों में, पार्कों में जो ट्यूबवेल लगाए गए उनका भी बहुत बड़ा विवाद आरटीआई में हुआ। इसका पार्कों की देखभाल करने वाली फर्म की ओर से आधा दर्जन ट्यूबवेल स्थापित करने का दावा करते हुए बिल नगर परिषद में पेश किया गया। सूत्र दावा करते हैं कि उक्त ठेकेदार द्वारा नए ट्यूबवेल नहीं लगाए गए, पहले से लगे हुए ट्यूबवेल की ही मरम्मत इत्यादि की गई। परिषद अधिकारियों से सांठगांठ कर नए ट्यूबवेल लगाना दर्शा दिया, जबकि न ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन की भी जरूरत होती है। सवाल यह भी है कि आखिर किन पार्कों में ये ट्यूबवेल लगाए गए, परिषद अधिकारियों ने इस पर भी पर्दा डाल दिया। सालों से ठेका संभालने वाली फर्म पर उच्च स्तरीय जांच की मांग, विजिलेंस से हो उच्च स्तरीय जांच की मांग, विजिलेंस से हो उच्च स्तरीय जांच। पिछले 16 वर्षों से सिरसा नगर परिषद में सफाई का ठेका संचालन करने वाली मैजर्स डिंगमैन पावर और परिषद अधिकारियों के बीच के कथित सांठगांठ को एक्सपोज करने के लिए विजिलेंस से उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की नितांत आवश्यकता है। जांच की जानी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 16 वर्षों से लगातार एक ही फर्म को ठेका दिया जाता है, अन्य कोई और फर्म क्यों नहीं,
और क्या कोई ठेकेदार इस लायक नहीं है? क्या वजह है कि परिषद में सफाई, पार्कों की देखभाल, कचरा कलेक्शन अथवा आधे शहर की सफाई का ठेका सभी इसी फर्म को दे दिया जाता है? जांच यह भी की जानी चाहिए कि पिछले 16 वर्षों में इस फर्म के खिलाफ जितनी शिकायतें हासिल हुई उन पर क्या कार्रवाई की गई। सूत्र बताते हैं कि तत्कालीन SDM द्वारा इस फर्म के खिलाफ दी गई प्रतिकूल रिपोर्ट को दबा दिया गया है। जांच यह भी की जानी चाहिए कि ठेकेदार फर्म के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट के अनुसार इस फर्म पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया। क्यों तत्कालीन उपायुक्त अजय तोमर को EO सिरसा को शोकॉज नोटिस देकर यह पूछना पड़ा कि ठेकेदार पर कितना पैनल एक्शन लिया गया। ठेकेदार को दिए गए नोटिस पर क्या कार्रवाई की गई। सूत्रों का दावा है कि यदि पूरे मामले की विजिलेंस जांच हो तो बड़े स्कैंडल का एक्सपोज होना तय है। जैसे कि हमने आपको सारा मामला बताया, पिछले 16 वर्षों से लगातार एक ही कंपनी को ठेके दिए जाने पर सवाल खड़े होना लाजमी तय है। क्यों सिरसा में कोई और काबिल रखने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है? आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे की न्यूज़ के लिए आप लोग बने रहे पहरेदार भारत न्यूज़ के साथ। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी तो इस न्यूज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।